हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो इसमें हम बात करने वाले हैं एएफसी कप के आज के दूसरे मैच के बारे में, मोहन बगान सुपर जायंट्स वर्सेस वसुंधरा किंग्स के मैच के हाईलाइट के बारे में। एंड अगर हम लोग मैच का फाइनल स्कोर लाइन एक बार बता दें तो फाइनल स्कोर लाइन है 2-2। मोहन बगान ने 8 मैचेस बाद उनका जो विनिंग स्ट्रीक था वो खत्म हुआ है। मतलब ऐसे टूटा तो नहीं बोल सकता मैं, बट पिछले लगातार 8 मैचेस में मोहन बगान ने जीता है, ड्रॉ भी नहीं किया था, ना ही वो मैचेस हारा था, लेकिन ये मैच ड्रॉ हुआ है। एंड ड्रॉ हुआ है फिर भी थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट, अगर ये मैच वो हार जाते तब वो डिप कर जाता एक्चुअली। एंड अभी भी मोहन बगान नंबर वन पोजिशन में ही, एंड वो होल्ड भी कर सकते आने वाले मैचेस में। एंड अगर हम लोग इस मैच का बात कर ले तो मोहन बगान ने कुछ अच्छे अटैक्स किए, वसुंधरा किंग्स ने कुछ अच्छे अटैक किए, जैसे रॉबसन बहुत ही बढ़िया गेम था उनके तरफ से, मोहन बगान का होके भी, और डोरियल्टन नसीमेंटो का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था वसुंधरा किंग्स का होके। दोनों ने गोल भी किया है, काफी बढ़िया बढ़िया गोल किया, एक पेनल्टी में गोल किया जो कि हाँ पेनल्टी था, डिजर्विंग पेनल्टी था, रेफरिंग काफी बिलो एवरेज काइंड ऑफ है, उतना भी अच्छा रेफरिंग हुआ नहीं है। एक तो खैर क्लियर गोल था उसको ऑफसाइड दे दिया गया, वो तो दूर दूर तक ऑफसाइड नहीं था, गोलकीपर तो था ही सामने, दो दो प्लेयर्स भी सामने थे, फिर भी उसको ऑफसाइड दिया गया, तो वो कोई सेंस नहीं। मतलब शायद उस टाइम पे अगर वो रिजल्ट वो अगर फेवर में आता मोहन बगान का तो शायद वो जीत भी जाते, बट खैर वो अलग बात है। उसके बाद दिमित्री पित्ता तो उसने ही पहला गोल किया मोहन बगान ने। एंड एक्चुअली मोहन बगान हमेशा से इस मैच में लीड में था, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वो हार रहे थे इस मैच में, हमेशा या तो ड्रॉ हो रहा था या तो मोहन बगान जीत रहे थे। एंड फिर दूसरा गोल आशीष राय ने किया, आशीष राय ने गोल भी किया एंड उसके वजह से पेनल्टी भी कंसीड किया है मोहन बगान ने। सो मैच काफी फर्स्ट हाफ फिर भी काफी पेसी हुआ है, सेकंड हाफ में काफी टायरिंग नजर आ रहा था कि प्लेयर्स भी थोड़ा सा थक चुका सा नजर आ रहा था, एंड मैच देखना भी काफी टायरिंग हो गया था इसी की वजह से। एंड अगर हम लोग ओवरऑल मैच की बात करें तो वसुंधरा किंग्स के भी 2 शॉट्स पोस्ट में लगे, एंड मोहन बगान का ओके, ओवरऑल टीम ने अच्छा ही खेला, लेकिन हेक्टर ह्यूस्टन ग्लेन मार्टिन्स इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं जमा, नहीं हुआ। एंड अनवर अली को भी लास्ट में जाके चोट, एक इंजरी आया है उनको, मोस्टली हैमस्ट्रिंग में इंजरी आया है, उनको स्ट्रेचर में बाहर लेके जाना पड़ा। बस एक ही उम्मीद है कि बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी ना हो, क्योंकि इसके बाद एक तो एएफसी कप भी है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर है इंडिया के लिए। एंड हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि अनवर अली का होना ना होना डिफेंस में कितना ज्यादा बड़ा फर्क क्रिएट कर सकता है, एंड करता भी है करेंटली। सो वही उम्मीद है कि वो रिकवर कर जाए। वैसे अभी भी पॉइंट शेयर में नंबर वन पोजीशन में मोहन बगान है, सेकंड पोजीशन में वसुंधरा किंग्स है, थर्ड में ओडिशा, फोर्थ में माजिया। सो काफी क्लोज हो चुका है हर एक चीज, एंड देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले मैचेस में परफॉर्मेंस कैसा रहता है। एंड गाइस, ये था मैच का पूरा हाईलाइट, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के बीच में, एंड अगर फिर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड बेल आइकन दबाना ताकि मैं जब भी अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड मैं लगन के साथ, तब तक के लिए बाय।